गाइस, मैं ना थोड़े टाइम पहले थाईलैंड गया था अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, और वहां जाके हमने आग ही लगा दी। ये सब स्टार्ट हुआ एक डेयर के साथ। मेरा फ्रेंड है हैरी, उसने बोला कि भाई क्षितिज, इंडिया में तो तू बहुत हीरो बनता है, लेकिन अगर तू इंटरनेशनल जाएगा बाहर, वहां बंदियों से बात करेगा, तो भाई कोई भी तुझे भाव देने वाला है नहीं। मैंने सोचा अच्छा ऐसी बात है, मैंने बोला चलो तुम्हें ये भी करके दिखाते हैं कि भाई हमारे इंडियंस की कितनी औकात है बाहर। अब इस टाइम बज रहे थे रात के 10। मैंने फोन खोला अपना, वहां पे फ्लाइट चेक करी और सुबह 5 बजे की फ्लाइट सीधी बुक कर दी। मैं और मेरे दो दोस्त जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के अभय देओल, फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन बन के निकल पड़े अपनी ट्रिप पे। तुम्हें गेम देखना है तुम्हें फिर थाईलैंड का मेरा, अब तुम रेडी हो जाओ। तुम कह रहे थे ना नहीं पॉसिबल है थाईलैंड में। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो माहौल भाई पहले से ही बकचोदी का था। तीनों बहुत ही पंप में, एकदम खुश, इंडोर में चश्मे पहन के घूमता है, चश्मे पहन के सोना है। फ्लाइट में बकचोदी करते जा रहे हैं, अब हम एयरोसेस वगैरह आ रही है और हम एकदम फुल पंप में गेम मोड में घूम रहे हैं लौंडे। थोड़ी देर हम बैठे हुए हैं तो मैंने बोला भाई एयरोस्टेस से बात करके दिखाता हूँ मैं, और बंसे एयरोस्टेस उधर। मैंने बोला यार गर्म पानी मिलेगा, और ये हंस रहे हैं हम, बकचोदी कर रहे हैं फन। अगली बार जब वो गर्म पानी देने आई, मैंने बोला यार अल्कोहल भी मिलेगी क्या? तो उसने बोला सर सॉरी अल्कोहल नहीं हम दे सकते। फिर मैंने बोला भाई थोड़ी सी मेरी तुम अपनी छुपा के लाई होगी यार, बैग में मेरे को दे दो यार, ऐसी क्या बात है। तो वहां पे वो हंसने लग गई एंड दे वर जस्ट गोइंग हियर एंड देयर। अब थोड़ी देर में ये कहता भाई मैं जा रहा हूं मूतने, मैं जाके बात करूंगा एयरोस्टेस से। मैं कहा साले देख गंद मत फैला दियो, यहां पे बहुत कुटाई होगी, ऊपर से ही बिना पैराशूट के नीचे धक्का दे दिया जाएगा। तो भाई लड़का गया हमारा और मैं वहां बैठा हुआ हूं। याद आया मतलब 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए भाई, 15 मिनट बाद लड़का आता है। मैं कहा भाई ठीक है, मुझे लगा कुछ सीन वीन तो नहीं हो गया तेरे साथ, क्या कर दिया? कहता भाई ये देख इंस्टाग्राम। मैं कहा चीते लड़के, कहरी मचा रखा है यहाँ पे। फिर फ्लाइट लैंड होती है, हम निकलते हैं वहां से फ्लाइट से ऐसी बकचोदी करते हुए साथ में। अब ये करता है उसको डीएम करता है तो भाव ही नहीं दिए, हम हंसे जा रहे हैं। मैं कहा यार ये अभी साले लड़की रिप्लाई भी नहीं करा यार, तेरे को कितने रिप्लाई नहीं करा। हम पहुंचे अपने होटल वगैरह जो भी, मैं कहा छोड़ो यार अपनी पार्टी करने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, विल मीट मोर पीपल यहाँ पे। जैसे हम नीचे उतरे ना वहाँ पे, तो भाई वो बात याद रखो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जैसे ही नीचे पहुंचे वहां पे पार्टी करते हुए, ग्रुप ऑफ सेम एयरोस्टेसेस वहीं पे मिल जाती है हमें। फिर तो क्या ही होना था, उन्होंने हमें देखा और सीधा हमारे पास आ गई, गेम ऑन करा, स्टार्ट डाउन वन, स्टार्ट डाउन वन। हमारे एक और दोस्त था वो भी बात कर रहा था, मस्त चल रहे। तो एक बहुत अच्छी सी वाइब हो गई एंड वी जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड हैंगिंग आउट, पार्टिंग टुगेदर। फिर वहां पे ना एक सामने एक बड़े से स्पीकर के ऊपर 2-3 लौंडे नाच रहे। सो द गर्ल हु वाज सिटिंग विद मी, मैंने उसको बोला मैं यार जाओ तुम डांस करो। कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा दिखाओ यार अपने मूव्स, इंप्रेस करो हमें। और इस टाइम तक ना मतलब ये आई कुड सेंस दैट शी इज इंटरेस्टेड in me, and उनकी एक फ्रेंड ने भी बोल दिया था कि ये ना तुम्हें ढूंढ रही थी अभी यहाँ पे। थोड़ी देर बाद मैं उठा, मैं गया सीधा, तो मैं ऊपर चढ़ा कॉन्फिडेंस एकदम, यू नो सब लोग हमें देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे लड़कियां भी आनी स्टार्ट हो गई, हैरी भी ऊपर एक दो लड़कियां देख के आ रही हूँ, फिर हम डांस कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेचुरली स्पीकिंग उधर क्या हो रहा है उन लड़कियों के साथ, उनको थोड़ी सी जेलसी फील हो रही होगी। अब ऐसे नहीं कि अकेले नाच रहे हैं, कोई सोच रहा है यार ये बंदे तो चूतिया है, वहाँ पे देयर सोशल प्रूफ एज वेल, बिकॉज देयर आर गर्ल्स दैट आर कमिंग टू डांस विद देम। यहाँ पे गोरी बंदियां भी इन बंदों को लाइक कर रही है, तो वहाँ भाई अपनी इज्जत जाती है ऊपर। इसको कहते हैं जेलसी प्लॉट लाइन बिल्ड करना। एक बंदी उस साइड टॉन्ट थी, इतना बढ़िया वाइब है वहां पे। मैंने बस उसको आराम से उसे टच करा, वो घूम गई, अपने हाथ ऐसे कंधे पे डाले, थोड़ा बहुत डांस करा। फिर जब मैंने छोड़ा वो टर्न हो गई कि लाइक हम ग्राइंड करेंगे। मैं कहा नहीं भाई ग्राइंड तो हम नहीं कर सकते हैं, आजकल भाई तुम्हारा कर रहा है डेट तो ग्राइंड हम करेंगे नहीं। जब तक मैं वापस आया शी लाइक ओ माय गॉड दैट वाज सो क्रेजी, यू आर सच अ गुड डांसर, इतना एपिक है। एंड नाउ मोमेंट थोड़ा हीट अप हो रहा है, आई कैन सेंस दैट दिस गर्ल इज इनटू मी। हम नाच वाच रहे हैं एंड शी इज लुकिंग इनटू माय आई, थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन बिल्ड हो रही है। जब ऐसा पॉइंट आया जब भी 1-2 मिनट में शीड वांट अ किस मी, I told her, मैं कहा यार सॉरी यार मेरी गर्लफ्रेंड है, आई कांट किस यू, यू आर रियली गुड, आई विल नॉट चीट ऑन हर, बट अब मेरे को अपने फ्रेंड को भी हेल्प करना है। वन थिंग यू गाइस नीड टू डू इफ यू आर विद अ फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त किसी लड़की से बात कर रहा है, उसके साथ एक दोस्त है, यू हैव टू एंगेज हर। क्लियरली मैंने बोला नहीं, बट देन वहां पे अब उसको एंगेज कैसे करें? सो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग वाज शी स्टार्ट टेलिंग मी अबाउट हर पास्ट, कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ऐसा था ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज आई आस्क्ड हर, मतलब मैं अपनी पुरानी स्टोरीज कुछ बताने लग गया। और वैसे करते करते बातें करने लग गया और वो बड़ा इमोशनल सा मोमेंट हो गया। इस टाइम में मैंने बहुत ही बढ़िया सा विंग कर दिया अपने दोस्त को हैरी। अगले दिन हम गए बेड स्टेशन हॉस्टल जो वहीं पे बैंकॉक में है। वहाँ पे बढ़िया सा माहौल था, लोग चिल कर रहे थे, वाइब कर रहे थे, बियर पोंग वगैरह खेला हमने। थोड़ी देर बाद लोगों से बात बात करनी स्टार्ट करी, अपना हैरी एक लड़की के पास वहाँ चला गया, मैं एक दूसरे ग्रुप में घुस गया, काफी लोगों से सोशलाइज करा। वहाँ पे एक कोरियन ग्रुप मिला मुझे जहाँ पे 2 लौंडे थे और एक बंदी थी। ये बंदे थोड़े ओल्ड है एंड ये कह रहे हैं यार हम सोने जा रहे हैं, और ये वर्क फ्रेंड है तीनों। अब ये जो बंदी मेरे साथ है कोरियन वाली, इससे बातें हो रही थी गूगल ट्रांसलेट से। मैंने गूगल ट्रांसलेट पे लिखा तो बोला कि इन दोनों को जाने दे, तू रुक जा। इतनी एम्बैरेसिंग चीज हुई ना, इसने वो फोन लेके अपने दोस्तों को दिखा दिया कि भाई ये कह रहा है कि तुम जाओ,
मैं रुक जाती हूँ. कभी भी ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट में नेवर बी अपोलोजेटिक. अगर मैंने ये मूव खेल ही लिया देन आई नीड टू डबल डाउन ऑन माय मूव. आई कांट बी सेकंड गेसिंग. बट एनीवे ये लोग रुके नहीं और हमें लगा भाई इतनी रात ऐसी जाने वाली है, कोई लोग यहाँ पे है नहीं, तो हम अकेले ही पार्टी करनी पड़ेगी. हमें खाउसान रोड जाएंगे दोबारा. एज वी वर डूइंग दैट ग्रुप ऑफ टू गर्ल्स वॉकिंग. लुक एट दैट. These are foreigner girls. वहाँ पे फिर naturally बात करनी हमने वहाँ पे start करी. Gangster. वहाँ पे दो लड़कियाँ हो रही हैं, ये दो Indian लड़कियाँ थी, तो उनसे भी बात हो गई. अब ये कह रहे what's your plan? मैं कह रहा हम जा रहे हैं बाहर. Harry अपना वहाँ पे एक और foreigner बंदे से मिले थे, उसके साथ दो लड़कियों के साथ वहाँ पे था. अब suddenly ऐसा सीन था कि भाई कोई भी लड़कियाँ नहीं है and suddenly we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 girls जिनके साथ हम पार्टी करने जा सकते हैं. वहाँ से जाने लगे कि भाई चलो let's go party. One beer for everybody who comes. वहाँ पे जो ये एक बंदी थी, एक क्यूट सी बंदी थी जो जिसके साथ मैं बढ़िया से गेम वेम कर रहा था, वहाँ पे थोड़ी टेंशन बनने लगी. जी नो नो आई रियली कांट, लेट्स मीट सून, विल मीट टुमारो. मैं कहा यहाँ पे सेक्सुअल टेंशन तो है. मैंने उसको बोला मैं कहा आई एम नॉट गोना किस यू इफ यू डोंट कम विद मी राइट नाउ एंड यू नेवर गोना सी मी अगेन. वी गेट यू ऑलराइट कूल लेट्स गो. एंड देन लीड करके हम वहाँ से जाने लग गए. एंड वंस वी रीच देयर देन वहाँ पे शी इज एक्सपेक्टिंग अ किस. बट देन एज यू गाइस नो हम आजकल हो रखे बहुत ही सख्त. And I was like, I'm so sorry, yaar. I really can't. She's like, okay, cool, I understand. तो वहाँ पे भाई हमने थोड़ी देर डांस वांस करा, पार्टी वार्टी करी, चिल करा, वाइब मेंटेन करी. और फिर वहाँ पे वो बंदा था जो चीजें बेच रहा था, तो भाई मैंने खरीदा उसके लिए आई लव कॉक का एक रिस्ट बैंड, कि उसके हाथ पे डाल दिया अपने प्यार की निशानी के लिए. मैं कहा भाई तू ये ले जा. तो वहाँ पे फ्लाइट व्लाइट खत्म करके हम निकले कोसमुई के लिए अगले दिन. वहाँ से टैक्सी वगैरह ली अपनी और पहुंचे अपने हॉस्टल. समझ गया. प्राइवेट रूम में चेक इन वगैरह करा, थोड़े देर सोए बिकॉज सोए नहीं थे ढंग से. फिर शाम को हम निकले पूल पे भाई, एकदम बीच अटैच्ड हॉस्टल. वहाँ पे अपने प्राइवेट रूम्स हैं हमारे. डॉम्स हमने लिए नहीं थे क्योंकि भाई अब भाई लोग पैसा कमाते हैं. तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं जनरली ऐसी कुछ फ्लोटिंग सी चीज ले लेता हूँ और उस पर यूं घूमता रहता हूँ मस्त. तो घूमते घूमते पूल के कॉर्नर्स में लोग बैठे होते हैं, लड़कियां वगैरह, और वहाँ पहुंचता हूँ, उनको बोलता है मेरे को थोड़ा वहाँ धक्का दो, तो थोड़ा सा वार्म सी अप्रोच हो जाती है. तो वहाँ पे मैं एक लड़की मिली, उससे मैं बात कर रहा हूँ, बढ़िया सी वाइब हो गई. व्हाट्स योर नेम? इज़न्ट दैट अ बॉयज़ नेम? इट इज़. अब वहाँ पे बेस्ट चीज क्या होती है ना कि तुम भाई लेटर के लिए प्लान बना लो वहाँ पे, कि दिन में मिले और प्लान बनाओ कि बाद में हम रात को जाके मिलेंगे, बिकॉज सब लोग यहाँ पे आते हैं फन करने, पार्टी करने. तो वहाँ पे हमने बात करी और फिर हमने रात के प्लान बनाए. अब इस पॉइंट पे ना एक और फॉरेनर बंदे से दोस्ती हो गई हमारी, हम बस वाइब वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पे एक दो लड़कियां आई जो उससे आगे बात करने लग गई. सीन नहीं है यहाँ पे, गेम अच्छा है, इसका कॉन्फिडेंस है. यहाँ सीन बस सिंपल है यार, गोरी चमड़ी का. बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे को लड़कियां बिल्कुल भी मिलती ही नहीं है या लड़कियां मेरे में इंटरेस्टेड होती नहीं है. और जब हम रात को बाहर गए तो पहले तो हमें हॉस्टल से ही और लोग मिल गए, हमें 3-4 लड़कियों के ग्रुप में हम मिले और हम साथ में पार्टी कर रहे थे. फिर वहां पे जाके और भी लोग मिलने लग गए बिकॉज हम वाइब कर रहे थे, आसपास की लड़कियां भी आने लग गई, तो हमारा एक बड़ा सा ग्रुप हो गया था. और वहां पे साइड में देयर वाज अ ग्रुप जहां पे लोग डांस कर रहे थे एंड आई कुड नोटिस दिस वन गर्ल लुकिंग एट मी. तो भाई वहां पे गाना बजा सीधा डायरेक्टली मुंडियां ते बच के रही. क्रेजी है वहां पे, ठीक है, पंजाबी गाने भी बीच में बच जाते हैं, गोरों को तो कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं भाई. तो भाई मुंडियां ते बच के रही बजने लग गया और मैं फिर नाचता नाचता उनके ग्रुप में मस्त घुस गया. एनर्जी वो भी मैच कर रहे हैं, वाइब मैच कर रहे हैं, वो लड़की स्टेप्स कॉपी करने लग गई. और ये टाइम था जब वो एक लड़के के साथ थी और वो लोग लिटरली बस यू नो कंधे में हाथ डाला हुआ और मेकआउट होने वाला है उनका. गाना बजा, मुंडिया दे बच के रही और मैं गया उनके ग्रुप में, वाइब वगैरह मैच करी. जब मैं डांस कर रहा हूँ, लड़की ने हाथ उठाया वहां और सीधा मेरे को देख के मैच करने लग गई स्टेप्स. थोड़ी देर बाद वो डांस कर रही है, मैंने हैंड ऑफ गॉड लिया, स्पिन वगैरह करा, पास पास थोड़ा डांस करा, बढ़िया से नाच वाच रहे थे हम वहाँ पे, बाकी लोग भी नाच रहे थे. ये बंदा जितना मैं डांस कर रहा हूँ इसकी स्टेट डाउन हो रही है कि भाई अभी भाई मेरे को बंदी मिली थी, अभी ये लिटरली जाने वाली है. थोड़ी देर हुआ ये सब, बंदा मेरे को बोल के गया गुड स्टफ मैन, फेयर प्ले, आई एम गोना गो, ऐसे करके बाय बोल के गया. और ये गोरा बंदा था, इंडियन बंदा नहीं था. तो यहाँ पे भाई क्लियर है कि कंपटीशन है, बट अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम ढंग से बात कर सकते हो, तुम वाइब कर सकते हो, यू अंडरस्टैंड सोशल डायनामिक्स एंड यू गॉट गुड गेम, यू कैन स्टिल बीट द कॉम्पिटिशन. तो अगर तुम्हें लगता है कि इंडियंस को लड़कियां प्रेफर नहीं करती है ना, बात वही है यार. अगर इंडिया में तुम्हें लड़कियां नहीं मिल रही है, तुम्हें बाहर भी नहीं मिलेंगी. एंड सेकेंडली मैंने नोटिस करा कि लोग ना यहाँ पे किसी एजेंडा से नहीं आते हैं, लोग आते हैं फन करने, पार्टी करने वहां. तो अगर तुम जाओ बस सिंपल से यू आर इन द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम, यू आर वाइबिंग करेक्टली, यू हैव गॉट डीसेंट गेम, तुम सोशल हो लोगों के साथ, तुम्हारी फंसी वाइब है, नेचुरली थोड़े टाइम बाद अट्रैक्शन हो जाता है. एंड एट दिस टाइम डू नॉट फिजिकली एस्केलेट टू अर्ली. जब अट्रैक्शन हो गया है और तुम थोड़े से आइसोलेटेड जगह पे हो या पार्टी करने साथ में जा रहे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन मेक थिंग्स हैपन. अनदर थिंग, एक अलग स्ट्रेटजी यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम दिन में जैसे हॉस्टल में पूल वगैरह में सोशलाइज करो बस, डोंट हिट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल. ऑफ कोर्स यूज सम फॉर्म ऑफ टीजिंग, सम फॉर्म ऑफ बैंटर एंड बकचोदी करो, हल्की सी टीज करो ताकि सेक्सुअल टेंशन वहां पे बिल्ड हो जाए. हाउ कम यू गाइस आर नॉट इन योर स्विम सूट? Why aren't you guys in the swimming pool? But then this and that and then vodka oranges. And then make plans to meet later in the night. कि रात को जब तुम पार्टी करने जा रहे हो तब रात में पार्टी करने जाओ वहाँ पे या वहाँ पे मिल जाओ. This strategy works like a charm. Next point to keep in mind is कि यार जब भी हम इंडियन बाहर जाते हैं ना,
हमें गोरी बंदी देखती है तो एकदम से हो जाते हो फक शी इज अ फॉरेनर एंड वी पुट हर ऑन अ पेडेस्टल। कभी भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, कितनी भी हॉट हो, कैसी भी हो, इंडिया में हो, बाहर हो, इंटरनेशनल हो, कुछ भी हो भाई, नेवर पुट द गर्ल ऑन अ पेडेस्टल। फाइनल पॉइंट इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज एज आई एम गेटिंग ओल्डर ना, मेरा गेम और भी बेटर हो रहा है क्योंकि माय गेम इज गेटिंग टाइटर एंड आई एम डूइंग थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल एंड आई एम ट्रिमिंग अवे ऑल द फैक्ट कि जो भी चीजें जरूरत नहीं है जिसकी वो मैं कम करता जा रहा हूं एंड आई एम डूइंग गेम लाइक अ स्नाइपर, नॉट प्लान्ड बट ओनली सेइंग द मोस्ट नीडफुल थिंग्स कि जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा बिना बात की चीजें नहीं डाल रहा हूं। तो ये बिलीव्स अपने दिमाग में मत रखो कि यार फॉरेनर लड़कियां तुम्हें लाइक नहीं करेंगी, जैसे मेरे को यहां पे डेयर दिया हुआ था, इन द एंड डेयर accomplished. If you like this video, my name is Shitij. I'm the founder and CEO of Ironman Lifestyle, we're India's topmost dating coaching company. यहाँ पे हमारा मिशन है 1 crore Indian men like you, तुम्हारे confidence बढ़ाना, better dates पे तुम्हें भेजना and help you find love and be in a deeply fulfilling relationship. If you want help guys, हमारे साथ एक consultation call book करो, free है, यहाँ पे link है, वहाँ पे click करो, we've got limited slots available. We're gonna talk to you, help you understand things and if you wanna get coached, we'll invite you to get coached by us. With that being said boys, make sure you hit the subscribe button, you spank it, smash it, demolish it and I'll see you guys in the next video.